कुशीनगर में भाजपा के नव मनोनीत जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय का आज साखोपार स्थित अभय प्रताप नारायण सिंह के कैंप कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। कैंप कार्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में श्रमिक पंजीयन अंशदान एवं नवीनीकरण समिति के अध्यक्ष व BOCW बोर्ड सदस्य अभय प्रताप नारायण सिंह ने माल्यार्पण करके पश्चात साफा बांध कर अध्यक्ष का स्वागत किया। ढोल नगाड़े के बीच साखोपार न्याय पंचायत के समस्त ग्राम प्रधान और प्रबुद्ध लोगों ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। आपको बता दें कि वहीं मोदी योगी के नारे भी लगे। इस अवसर पर रमाशंकर तिवारी, विजय तिवारी, कुशल प्रताप नारायण सिंह, पीयूष प्रताप नारायण, जुनेन्द्र सिंह, मस्तराज वर्मा, फूलबदन प्रसाद, चंदन शर्मा, उमर फारूक छोटे अंसारी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। हमारी पार्टी निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है और हम लोग हमेशा जो संगठन का निर्देश मिलता है ऊपर से उसके लिए काम करते हैं। 2024 के लिए कोई अतिरिक्त तैयारी करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। हमारा नीचे का बूथ स्तर का संगठन इतना सक्रिय और मजबूत है कि 24 में हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ऐतिहासिक मत से चुनाव जीतने जा रही है। मैं कुशीनगर की जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चलाई है केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले लगभग 6 वर्षों से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो हमारी सरकार चल रही है, यहाँ भी मेरे पास लगभग 100 की संख्या में जनसमूह खड़ा है। मैं बहुत ही विश्वासपूर्वक और दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का लाभ न मिला। कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन हुआ, आप कल्पना करिए कि 4000 रुपये का वैक्सीन, एक आदमी पर 8000 का खर्चा और 3-3 बार नहीं तो कम से कम 2-2 बार हर व्यक्ति को लगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम करके एक एहसान लादा है लोगों पर कि आगे आने वाले चुनाव में अगर उसी का प्रतिफल देंगे तो कोई चुनौती नहीं, एक तरफा में चुनाव जीतने जा रहे हैं और इस बात को हर जनता महसूस भी कर रही है। आज चाहे अपने जनपद में सड़कों का मामला हो, चाहे ये गरीबों को मिलने वाला राशन हो, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं सब आराम से आम व्यक्ति के पास पहुँच रही है और निश्चित रूप से आम जनता का आशीर्वाद भी हम लोग के साथ है। हम निश्चित रूप से 24 को फतह करने जा रहे हैं।